शुरू ठीक है ये पाँच मिनट है इसमें ना तो मैं दस दस मिनट बाद जो मसाहिब पर आ जाऊँ ठीक है ठीक है मेरे अच्छा मेरे पास कुछ और है हाँ चलो खैर मैं अपने हिसाब से दस मिनट देख के फिर वो करती हूँ शुरू करूँ शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्मदिल्लाज़ी ख़ल सवात वरज़ीन वसला तो वसलाम अला व अशरफालम्बिया वमसलिन वाल तयबी ताहिरन अलमाजलूम नाजिकर क़ायम टी वी की खसूसी रमज़ान ममारक की ट्रांसमिशन में प्रोग्राम तस्क्य नफ़्स के साथ मैं हूँ रा शहला अब्बास आज माह रमज़ान मबारक की अठारहवीं तारीख है और आज की शब अब जो शब आगाज़ हो रही है वो शबरबत सलाम है आज के दिन और आज की शब की दो लिहाज से अहमियत है पहली ये कि शब उन्नीस शब कद्रे रसूल खुदा वसल्लम ने शातरमाया के माह रमज़ान की इन तारीख़ों में शब उन्नीस शब इक्कीस और शब तेईस में शब कदर को तलाश करूँ और जब मौला इमाम जाफर हदलाम से किसी ने सवाल किया था कि मौला आपने तीन शबें बयान की हैं जो शब कद्र हैं तो आप ये बयान कीजिए कि उनमें से किसी एक को मुत कर दीजिए ताकि हम उसमें ज़्यादा इबादत अंजाम दें तो आपने शक में है कि तुम इसमें क्या हर्ज है कि तुम इन तीनों शबों में खुदा की हमदोसना करो खुदा का जिक्र करो और खुदा की बेहतरीन इबादत करो और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमारी समझ में ये आता है कि खुदा जो माँ से सत्तर गुना ज़्यादा मोहब्बत फ़रमाने वाला है परवरदिगार म गोया बहाने बहाने से उसकी रहमत बंदगाने खुदा को बख्शना चाहती है और इसीलिए परवरदिगार म ने यह चाहा है कि उसका बंदा इबादत करे और ख़ुदा की बारगाह में सुरखुरु हो जाए शब उन्नीस शब इक्कीस और शब तेईस के आमाल आ, हमारे आमाल की किताबों में सब जगह मौजूद हैं सारी रात जागना गसल के बाद इबादत को अंजाम देना परवरदार दौलम की हमदोसना करना उसका ज़िक्र करना उसकी इबादत में सारी रात बसर करना और उसका जिक्र करना और शब कद्र की ये अहमियत कि रसूल खुदा सरम इरशात नमाया कि शब कद्र हज़ार महीनों से बेहतर है जैसा कि परवरदार दौलम ने इर्षात किया तो हज़ार महीनों से बेहतर का मतलब यह है कि अस्सी साल की इबादत से बेहतर ये इबादत है जो हम इस रात में अंजाम देते हैं खुदा हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम शब कद्र को उस तरह से गुजार सकें जिस तरह हमारा परवरदिगार हमसे तकासा करता है जिस तरह हमारा परवरदिगार हमसे चाहता है और दूसरी इस शब की अहमियत ये है कि ये शबरबत अमीरमोमिन अलीबन मालमाम है गोया हम दूसरे अल्फा में कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक इस शब का ताल्लुक़ क़ुरान सामित से भी है और क़ुरान नातिक से भी है कुरान सामित जो इसमें नाजिल हुआ और क़ुरान नातिक जो इसमें शहीद किया गया दोनों कुरानों से यानी कुरान सामित और कुरान नातिक दोनों से इसका वास्ता और इसका रबता है और इन दोनों ही चीज़ों से हम खुदा की मार्फत को पा सकते हैं मौलाम इस्लाम के मसायब का जिक्र करने से पहले आपके कुछ फ़जाइल नज़र समात करूँ कि रसूल खुदा सासम ने मौला कायनत अमी उमिनली में तालम के लिए शायत रमाया कि जहाँ परवरदार ने नेर्न करीम में या याज़ीना आमनु कहा है वहाँ परवरदार दौलम का रासुलरईस यानि उसका मजदाक या आई लजीना ए ईमान वालों इसका रासस इसका जाते अली इबन अबी तालबल है नाम अली का वर्द इबादत है दोस्तों ये नाम रोशनी की अलामत है दोस्तों ये ज़िक्र आगही की शरीत है दोस्तों रहमत नबी ये साय रहमत है दोस्तों आती है दम बदम ये सदा आसमान से क़ुरान बोलता है अली की ज़ुबान से मौलानी ममिन इस्लाम के लिए कितनी अहदीस हैं जो रसूल ख़ुदा ने बयान की हैं एक तहक़ीक बताती है कि तेईस हज़ार से ज़्यादा अल्लाह के रसूल ने अहादीस बयान कीं मौला अमीर मोमिन की शान में और वो हदीस जो सबसे ज़्यादा आपकी मदह में बयान फरमाई यानी जयनु मजालस कुम बे अली बेज़िक्रली अबी तालब अली के जिक्र से अपनी मजालस को ज़ीनत दो अपनी महाफिल को जीनत दो क्योंकि आप माते हैं वो हस्ती जिसके लिए कुरान गवाही देता है वमा यंत कौन हवा इन हुआ अः रसूल अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता वो कहता है जो खुदा कहलवाना चाहता है और खुदा रसूल ख़ुदा से क्या कहलवाना चाहता है परवरदिगार दो आलम का हबीब अपने इबन अम के लिए मौलाए कायन अमिन ममन के लिए अपने जानशीन के लिए अपने वसी के लिए आप फर्माते हैं कि जयन मजालस कम बेजिक्र अली अबनयाबी तालिब अली के ज़िक्र से अपनी मजालस को ज़ीनत दूँ क्योंकि अली का जिक्र मेरा ज़िक्र है मेरा जिक्र जिक्र ख़ुदा है और ज़िक्र खुदा से बढ़कर कोई और इबादत है ही नहीं क्या शान है मौला अमिल मम्न अली तालिब तलबा की कि जिनका ज़िक्र रसूल का जिक्र है जिनका जिक्र ख़ुदा का ज़िक्र है जिनका जिक्र सबसे बड़ी इबादत है फिर हम ही देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने शास्त्र रया कि याली अगर मुझे इस बात का ख़तरा ना होता कि लोग तुम्हारे बारे में वही सोचेंगे वही गुमान करेंगे जो ईसा के बारे में गुमान करते हैं तो याली मैं तुम्हारे फ़जाइल बयान करता मौला हूँ मौला अमीमीसल्लाम की ज़ाते वाला सिफ़ात वो है कि हम ये देखते हैं कि दुनिया में किसी की तारीफ़ करना मकसूद हो तो उसकी फजीलत को बढ़ा कर बयान किया जाता है लेकिन पूरी कायनात में एक हस्ती मौला अमीर ममिन अली ममद वसलम की ऐसी है कि जिनकी फ़जीलतों को छुपाना मुश्किल है और जिनकी फ़जीलतों को छुपा कर बयान किया गया गैरों ने इसलिए छुपाया क्योंकि वो इस बात से हसद रखते हैं कि परवरदगार हर मौक़े पर हर बात में हर आयत में मौला अमीर मम्मी इस्लाम की शान को बयान करता है उनका कसीदा पढ़ता है रसूल खुदा सल् वसलम मौला अमिर अमन का हर मुकाम पर कसीदा पढ़ते हुए नजर आते हैं लिहाजा गैरों ने हसद के मारे छुपाया और और अपनों ने इसलिए छुपाया कि अली अपने मिताल मजहरब हैं खुदा के अजायबात के मजहर हैं आम इंसान की अकल में भला इतनी बड़ी जात कैसे आ सकती है और खुद रसूल खुदा सल्हु वसलम ये शाद फरमाते हैं कि याली अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि लोग तुम्हारे बारे में वही गुमान करेंगे जो ईसा इब्ने मरीम के बारे में गुमान करते हैं यानी ईसा इबन मरीम को खुदा कहते हैं याली अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता तो मैं तुम्हारे ऐसे फ़जाइल बयान करता ऐसे फ़जाइल बयान करता कि लोग तुम्हारे कदमों की खाक को उठाकर अपने सर पर रखते अल्लाह अकबर क्या रुतबा है मौला अमीर ममिन सलाम करते फिर आपने शख्स में एक याली तुम्हारी मिसाल सर अखलास की सी है जैसे सूर अखलास के लिए अल्लाह के रसूल अशात फरमाते हैं कि सूर अखलास की एक बार तिलावत गोया एक तिहाई कुरान की तिलावत है दो बार तिलावत गोया दो तिहाई कुरान की तिलावत है और जिसने तीन बार सुर अखलास को पढ़ लिया गोया उसने मुकम्मल कुरान को ख़त्म कर दिया इसी तरह आपने शतम है कि याली तुम्हारी मोहब्बत को जिसने दिल में रखा उसने अपने इति ईमान को महफूज कर लिया याली जिसने तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में रखा और ज़बान पे जारी किया याली उसने गोया अपने दो तिहाई ईमान को महफूज कर लिया और याली जिसने तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में रखा अपनी ज़ुबान पे जारी किया और अपने अज़ा व जवारे से इस बात का सबूत दिया कि वह तुम्हारा मोहब्बत करने वाला है तुम्हारा खुबदार है तुम्हारा शीह है तुम्हारा पैरोक है तो गोया उसने अपने पूरे ईमान को महफूज कर लिया अल्लाह अकबर क्या रुतबा है मौला अमिल अमी सलाम का कि आपकी नस्बत सुर इखलास से है और यही नहीं अल्लाह के रसूल ने आपकी तारीफ़ें बयान की तो कहीं इर्षा फरमाया कि अना वली में नूरन वाहि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं कहीं फरमाया फरमायाली अनता मनी व अना में हूँ याली तुम तो मुझसे हो और मैं तुमसे से हूँ તેં ઇર્શાદ ફરમાયા યાલી અંતા મિની બિમન્ઝિલત હારૂન મિન મૂસા ઇલ્લા ઇન્હુ લા નબી બાદી કે યાલી તુમहारी નિસબત મુજ સે એસી હી હે જેસી કે હારૂન કો મૂસા સે થી મગર યે કે મેરે બાદ કોઈ નબી નહીં હોગા તહીં આપને ઇર્શાદ ફરમાયા અલ હક્કુ મઅલ અલી વલ અલીય મઅલ હક્ક હક્ અલી કે સાથ હે ઓર અલી હક્ કે સાથ હે ઓર યહી નહીં બલકે આપને ઇર્શાદ ફરમાયા પરવરદિગર હક્ કો ઉધર મોડ દે जिधर मेरा भाई अली इबन अबी तलेब मुड़ जाए और आपकी फ़जीलतों को अगर हम सरसरी मुताला करना चाहते हैं और आपका नुक़ः आगाज़ देखते हैं हर इंसान का नुतः आगाज़ उसकी पैदाइश है और मौलान मम्नीम की पैदाइश को नुत आगाज़ को ख़ुदा ने नुत कमाल बना दिया इस तरह से कि हर मुसलमान के लिए सबसे बड़ी मराज यह है कि वह खुदा के घर का तवाफ़ कर ले और अली इब्न इपनियाबी तालिब वो हैं कि जिन्होंने अपने वजूद से खाना काबा को शरत बख्शा जब मादर मौलाए कायनात फ़ातिमा बिन तसद खाना खुदा पे गई हैं और उन्होंने मौला अमीर ममन का वास्ता दिया है और खल्ला खोजहाँ ने खाना काबा में दीवार में दर पैदा किया कि हैरान थी फ़ातिमा कि हरम्मे किधर से आए दीवार कह रही थी कि बीबी इधर से आएँ औरों के वास्ते है कि आएँ तो दर से आएँ लेकिन जो अहल बैत हैं चाहे जिधर से आए घर आपका है आप तकल्लुफ़ न कीजिए अल्लाह मुंतज़र है तरद ना कीजिए मौला अमीर इस्लाम की विलादत खान खुदा में हुई ये ऐसा एज़ाज़ है ये ऐसी बुलंदी है यह ऐसी फ़जीलत है जिसमें अली इब्न तालब ला शरीक है ना इससे पहले कोई खाना खुदा में पैदा हुआ और ना इसके बाद कोई खाना खुदा में पैदा हुआ और यही नहीं बल्कि जब तीन दिन आपकी वालदा फ़ातिमा मिनत इसद खान खुदा में रही हैं और जब वहाँ से बाहर निकली हैं, तो तारीख़ों ने लिखा कि रसालत माम और हजरत अब तालिब लेने के लिए आए हैं और जब हजरत अब तालिम और रसालत माम सल वसम जब तशरीफ़ लाए हैं और फ़ातिमा मिनतेद खान खुदा से बाहर आई हैं तो रसूल खुदा वसलम ने अपनी आगोश को वा किया और हज़रत फ़ातिमा बिनतेद अपनी खुदा के घर में जो मेहमान ठहराया गया है उन्हें उसका हाल बयान कर रही हैं और हज़रत अबू तालमाम से कहती हैं कि बस मैं सिर्फ़ एक बात से मतरद हूँ परेशान हूँ कि इस बच्चे ने आंखें नहीं खोली हैं रसूल खुदा अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश को वाह किया और कहा कि मेरा भाई मेरा वसी चाहता है कि वो मेरा दीदार करे इसीलिए उसने अपनी आँखों को नहीं खोला और जैसे ही निसमा अपने मौला अमीर मामिन को नामूद को आगोश में लिया सबसे पहले मौल कायन अलीब नबीता ने आँखों को खोल कर रुखे पुरू ने सलतम आपकी जीारत की और गोया आँखों ही आँखों में अपने रसूल से अपने आका से अहद किया हिफाजत का उनकी महाफ़त का उन पर अपनी जान निछावर करने का और तारीख ही बताती है कि अभी कुरान के नाजिल होने में सालों बाकी हैं अभी दावत जुलशीरा में सालों बाकी हैं अभी कुरान के नज़ूल में सालों बाकी हैं लेकिन जब अमीन ममिन अलीबिन सलाम को रसालत माम ने आगोश में लिया और अमीर अमौमिन ने आँखों को खोला तो रुख पुनूर रसालत माम की ज़्यारत करने के बाद मौला अमी अमिनी ने जो सबसे पहले कलाम किया यकीनन जब रसूल वो है जो सरदार अम्बिया है और जो आगोश में है वो इमाम वो है जो अब है जो सरदार ओसिया है लिहाजा कलाम भी आपने वो मंतख किया जो सारे कलामों का सरदार है यानी अभी क़ुरान नाजिल नहीं हुआ लेकिन तफासिर ने लिखा कि मौला अमीर मम्न ने जो पहला कलाम किया है रसूल खुदा सल्ला वसलम से वह पहला कलाम सूर मोमिन की अव्वल से लेकर ग्यारहवीं आयत और सूर ममिन में परवरदार क्या अर्शाद फरमा रहा है वो कुरान जो अभी महफूज पर महफूज़ है मौला अमीर ममाम अबुल अम्मा जहाँ नशीन रसूल ने सबसे पहले उसकी ग्यारह आयात की तिलावत की और इन आयात में खुदा क्या अर्शाद फरमा रहा है परवरदार सूर ममिन में इर्शाद फरमाता है कि यकीन साहिबाने ईमान फलाह पा गए क़द अफलामुनू यकीनन साहिबा ईमान फलाह पा गए हमारी हर जजा और सज़ा का के लिए हमें इंतज़ार है रोज़े महशर का लेकिन खुदा ने मोमिनों के लिए पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया अफलाह साहिबा ने ईमान फ़लाह पा गए फिर मोमिनून मोमिनों की सफ़ात को परवरदिगार धर्म ने बयान किया कि ये वो लोग हैं जो नमाजों में खुदा के सामने गिड़गड़ाते हैं ये वो लोग हैं जो लफ़ और बेहुदा बातों से मुंह फेर लेते हैं ये वो लोग हैं जो जकवात अदा करते हैं ये वो लोग हैं जो अमानतों का पास करते हैं ये वो लोग हैं जो अपने अहद का पास करते हैं ये अपनी इसमतों की हिफाजत करते हैं ये अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं और सारी सिफात मोमिनों की बयान करने के बाद परवरदार करीम में शाहरमाता है कि यही वो लोग हैं जो जन्नत के वारिस होंगे यही वो लोग हैं जो जन्नत में हमेशा रहेंगे मौलान असलम ने अव्वल से ग्यारहवीं आयत तक की तिलावत फ़रमाई और रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि सल्हुस ने फ़रमाया हाजा वज़बह हुमूफल हूँ ये अली और उसके शिया ही कामयाब हैं अमदिल्लाज़ी ज आलना मिलल मुतमसक़ी बेविलायत अमीर अलमिन अली इबन अबी तलेब नाजन इक्राम आज मौला अमीर ने इस्लाम की जिसका है आगाज़ ज़िंदगी का वो है कि जो खाना खुदा में पैदा हुआ जिसने पहला कलाम किया तो वो जो लह महफूज पर महफूज़ है अल्लाह अकबर उसके मर्तबे को कौन दर्द कर सकता है उसकी मारफत को कौन पा सकता है आज की शब अमीर अमीलम है और आज की शब के लिए उस्ताद अली रजा पनााहान फरमाते हैं कि आज की शब हमसे दो बातों का तकाजा करती है एक तो ये कि मौला अमीनमी साम से जब रसूल ख़ुदा खुदाल्व ने यह इशा फ था कि या अली मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ तुम्हें तुम्हारी खबर शहादत देता हूँ मेरे बाद तुम पर म किया जाएगा और म करते हुए तुम्हें कत्ल किया जाएगा तो मौला अमीनम ने जो पहला सवाल किया है आपका ये सवाल हमारे जहनों को दावत फ़िक्र देता है आपने शात कि क्या आया कि उस वक्त मेरा ईमान सलामत होगा वो हस्ती जो अमीरम मोमिनून मुमिन, है जिसको रसूल ख़ुदा ये फरमाते हैं कि ये जहाँ भी परवरदि ने शात रमाया आई लजीना आमनू इसका रास रईस इसका मजदाक अलीब नेब की ज़ात वाला सिफ़ात है इस जात की बुलंदी क्या है कि मौलान इस्लाम शात फरमाते हैं कि क्या उस वक्त मेरा ईमान सलामत होगा यानी हमें दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि देखो ज़िंदगी की कामयाबी ये नहीं है कि कौन कितना जिया जिंदगी की कामयाबी ये है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ईमान सलामत रहें फिर उस्ताद अली रजा पना फरमाते हैं कि दूसरा मुकाम फ़िक्र ये है कि हमें इस शब में शबरब अमीरमौमीसल्लाम में लान करनी चाहिए अल्हमान कतलत अमीरमिन और जब हम लान करें तो वो लान हक़ीकी हो यानी हम उस दुश्मन से उस कातिल से बेजारी और बरात का इजहार करें और वो हकीकी लान और हकीकी बरात का इजहार हो और फिर वो आ, फरमाते हैं कि इस तरह से कि देखें कि इब्ने मुलजिम जिसने मौलानम को कत्ल किया वो इब्ने मुलजिम पहले अमीनम के पास बैठा करता था आपके हम रकाब रहा था उसने रुए मुबारक अली इबन तलब की ज़्यारत की है उसने कितनी बार इमाम की जबान से खुदबात को सुना है फिर आप कहते हैं कि देखो ये हब्ब दुनिया है जो तमाम गुनाहों की जड़ है इस हब्ब दुनिया ने उसे अली अलीबनबालब से दूर कर दिया जब हम लान करें तो हम पर ये बात वाजिब है कि हम जब लान करें तो वो हकीकी लान हो यानी वो लान सिर्फ ज़बानी तौर पर ना हो वो हकीकत में हो और हम दुश्मन से बेजारी और बरात का इजहार करें तो इस तरह से कि हम अपने आप को खब्ब दुनिया से रोकें हब्ब दुनिया जो सारे गुनाहों की जड़ है जब इंसान हब्ब दुनिया में फंस जाता है जब इंसान लालच में फंस जाता है जिसके लिए मौलान ममिन ने शाह फरमाया कि लालच अक्ल को अंधा कर देती है लालच की चमक अक्ल को ख़त्म कर देती है तो हब्ब दुनिया से अपने आप को बचाना ये एक शिया का एक पैरोकार का अली इबन मतालब के चाहने वाले का अली इबन मतालिब के ज़िक्र करने वाले का उनके हबदार का पहला फ़र्ज यह है कि वो अपने आप को हब्ब दुनिया से बचा लें आज अमीर मोमिनीन में हम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं कि पालने वाले वो हस्ती जिसने अपना नफ्स तेरे हाथों बेच दिया और उसकी कीमत में तेरी रजा को ख़रीद लिया जिसका नफ्स इतना पाको पाकिजा है कि तूने उस नफ्स को ख़रीद लिया पालने वाले उस पाक नफ्स का सदका परवरदिगार हमारे गुनाहान सगीरा और कबीरा माफ़ हो जाए और परवरदिगार हम हब्ब दुनिया से अपने आप को दूर कर लें हम मौला अमिलमन इस्लाम के ज़िक्र से अपनी दिल की दुनिया को आबाद करें और फिर हम दुनिया से मुँह को फेर लें परदगार इस्लाम का सदका हमें अमीर अमौमीन की मारफत अता हो परवरदिगार हमारा शुमार मौला अली के खुबदारों ही में नहीं मौलाए कायनात के शीयों में हो और परवरदिगार हमारी सबसे बड़ी दुआ कि हमारे वक्त के इमाम आका इमाम जमानसम के ूर में ताजील फरमा और हमारा शुमार उनके मंतजरीन और उनके नासरी में फरमा कितनी देर ज़्यादा देर का हो गया